नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू ट्रांसफ़र कार ओनरशिप। यानी कि आप एक अगर कार को बेच रहे हो तो आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर ओनरशिप ट्रांसफ़र जो होता है वो भी, आप चाहे बायर हों चाहे सेलर हों, दोनों केसेस में आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी वो आज के इस वीडियो में आपको अवगत कराऊंगा। कार ओनरशिप ट्रांसफ़र कैसे होती है, कौन कौन से RTO के फॉर्म लगते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करके रखना पड़ेगा, उसके अलावा दोस्तों फीस कितनी लगती है ट्रांसफरशिप ओनर की, ओनर ट्रांसफरशिप जो होती है ओनर की ट्रांसफ़र करने में आपको कॉस्ट, उसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है, क्या प्रोसेस है, कैसे हम ऑनलाइन की ऑफलाइन कैसे मद में कर सकते हैं ट्रांसफ़र या फिर करवा सकते हैं, सब चीज़ें जो होती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। RTO से जुड़ी हुई सारी नॉलेज है तो इसको आप मिस नहीं करिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद आपको कोई और यूट्यूब वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इसको पूरा अच्छे से देख लेते हैं तो बड़ी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि डिटेल में बात करूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी ओनरशिप ट्रांसफ़र कैसे होती है कार की। वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कभी कभी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक ज़रूर करिएगा, बटन लाइक का बटन ज़ोर से दबाइएगा उसको, और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजबल इंटरेस्टिंग वीडियो जो मैं लेटेस्ट में लेके आऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है कि कार ओनरशिप ट्रांसफ़र की। तो कार की जो ओनरशिप है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करूंगा कि सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट जो होती है वो डॉक्यूमेंट्स की होती है। अगर आप एक बायर हैं तो भी इन डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगी, या फिर सेलर हैं तो भी, तो आप इसको ध्यान से सुन लीजिए या फिर नोट कर सकते हैं। ओरिजिनल RC, जी हाँ, ओरिजिनल RC आपको लेना है या फिर देना है। आप इसको मैं न्यूट्रल वे में बताऊंगा, चाहे आप बायर सुन रहे हो या फिर सेलर। तो सबसे पहले कार की RC जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, ये ज़रूरत है मेन मेन, आप मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहला है ओरिजिनल RC, उसके अलावा है एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, कार इंश्योरेंस पेपर और PUC सर्टिफिकेट, फॉर्म 28 जो कि NOC है, फॉर्म 29 जो कि ट्रांसफ़र डीड फॉर्म है, फॉर्म 30 RTO में फॉर्म्स होते हैं, आपको RTO में मिल जाएंगे जब आप जाएंगे तो फॉर्म 29, फॉर्म 30, फॉर्म 31, 32, 35 और 2 फोटोग्राफ साइज रिसेंट की फ़ोटोज़ जो होती हैं, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, इस सभी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी ओनरशिप ट्रांसफ़र की। तो ये हो गई बात दोस्तों कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पर। तो जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है RTO में ओनरशिप ट्रांसफॉर्मेशन की वो होती है कार ओनरशिप ट्रांसफ़र कॉस्ट की, यानी कि कितनी फीस लगती है वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिथ है यूट्यूब पे, तो आज मैं इसको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। ये इट्स डिपेंड ऑन योर RTO एंड इट्स स्टेट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, हर एक राज्य में कार को ट्रांसफ़र करने की फ़ीस जो है वो अलग अलग है, ये आप नोट कर लीजिएगा। RTO पे और स्टेट पे डिपेंड करता है कितनी वहाँ पर चार्जेस हैं, इसके ऊपर चार्जेस स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है। अब चूँकि उत्तर प्रदेश में कुछ और चार्जेस लगते हैं, उसके अलावा राजस्थान में कुछ और चार्जेस रखते हैं, हिमाचल में कुछ और हैं, बिहार में चार्जेस थोड़े से अलग हैं, तो ऐसे केस में आप अपने RTO से संबद्ध जब वहाँ पर मिलेंगे तो उनसे संबद्ध जब आप होंगे तो उसके बाद आपको पूर्ण क्या कॉस्ट हैं वो जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल मैं आपको कॉस्ट बताऊंगा, ओवरव्यू, एवरेज कितना आपको ट्रांसफ़र के लिए चार्जेस देना पड़ता है। तो ट्रांसफ़र फीस स्टार्ट फ्रॉम 300 to 2000, यानी कि 2000 तक रुपए आपको देने पड़ सकते हैं या फिर आप वहाँ पर चुकाएंगे जब आप अपनी कार को ट्रांसफ़र चेंज करेंगे। तो इट्स डिपेंड ऑन योर कार एज, अब आपकी गाड़ी कितने साल पुरानी है ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कितने साल पुरानी है, तब उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितनी कॉस्ट होगी ट्रांसफ़र की। तो उसके अलावा दोस्तों प्रोसीजर टू ट्रांसफ़र कार ओनरशिप पे हम फोकस करते हैं, जो तीसरा पॉइंट है। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए, उसके बाद कॉस्ट बता दिया कि 300 से लेकर 2000 तक, गाड़ी की एज पर भी डिपेंड करेगा, आपके स्टेट पर भी डिपेंड करेगा। अब जो होती है वो प्रोसेस कौन सी होती है, तो आप सबसे पहला ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ऑफलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी गाड़ी को, या ट्रांसफ़र आप करवा भी सकते हैं। तो सबसे पहला ऑफलाइन प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं। तो ऑफलाइन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप जो रहेगा वो होगा कि आपको वहाँ पर नो ट्रेस एग्रीमेंट ऑफ सेल, यानी कि आपको नो ट्रेस एग्रीमेंट ऑफ सेल
सबसे पहला सेल लेटर, अगर आपको मैं हिंदी में थोड़ा सा सीधे शब्द में बताऊँ तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड सबमिट, सबसे पहला जो फॉर्म जो मैंने आपको बताया उन सभी फॉर्म्स को कलेक्ट कर लेना है, उसके बाद पूरी डिटेल उसको फिलअप करनी है, उसके बाद उसको सबमिट कर लेना है RTO में। दोनों लोगों की मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। कार को बेचने वाला भी मौजूद होना चाहिए, कार को ख़रीदने वाला भी मौजूद होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस डन हो पाएगा। उसके अलावा हैंड ओवर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू द बायर, अगर आप सेलर हैं तो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको बायर को ट्रांसफ़र कर देना है, वहीं RTO में जो MLO होते हैं उनके सामने। एप्लीकेशन ऑफ क्लियरेंस सर्टिफिकेट, उसके अलावा एप्लीकेशन टू ट्रांसफ़र ओनरशिप ऑफ द न्यू RTO, तो अगर आप ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं और अगर आप वहाँ पर न्यू RTO में ट्रांसफ़र करवा रहा है आपका जो बायर है, तो उसके केसेस में आपको एक NOC भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको भी आपको लेना पड़ेगा। उसके अलावा आप इस प्रोसेस को ऑफलाइन RTO में जाकर विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा जो सेकंड इसमें पार्ट होता है वो ऑनलाइन होता है कार ओनरशिप ट्रांसफ़र की, तो कार ओनरशिप ट्रांसफ़र के लिए आप ऑनलाइन कौन कौन से काम करवा सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। तो ऑनलाइन के लिए आपको विजिट करना है www.parivahan.gov.in, परिवहन सेवा पर जाइएगा। उसके बाद नंबर दूसरा स्टेप है दोस्तों, यहाँ पर आपका गो टू द पोर्टल वाहन पोर्टल, आपको साथी वाहन के दो पोर्टल नज़र आएंगे, तो आपको वहाँ पर वाहन वाले पोर्टल पर क्लिक कर देना है। वाहन वाले पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो आपसे वहाँ पर पूछा जाएगा सेलेक्ट योर स्टेट, तो सेलेक्ट योर स्टेट जब आप सेलेक्ट कर देंगे, आप अपने राज्य को डाल दीजिएगा, दिल्ली से हैं कि उसके बाहर के हैं तो आप डाल दीजिए। उसके बाद इंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड प्रोसीड, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे प्रोसीड करेंगे, इंटर द मोबाइल नंबर एंड वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर डालेंगे वेरिफिकेशन आप उसको प्रक्रिया पूर्ण करेंगे, इन सब चीज़ों को आप कर लेंगे तो स्टेप नंबर 6 जो है वो सेलेक्ट द ट्रांसफ़र ओनरशिप अंडर द एप्लीकेशन सेक्शन। उसके बाद स्टेप नंबर 7 आपको प्रोसेस करना पड़ेगा प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए इस ऑनलाइन और कार ओनरशिप ट्रांसफ़र के लिए। आप ऑनलाइन अगर आवेदन करते हैं तो इंटर द डिटेल, अब डिटेल आपको पूरा फिलअप कर लेनी है कि यानी कि हमारे नाम से जो जिसके नाम पर गाड़ी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है उनकी डिटेल, आप एक बायर हैं तो अपनी पूरी डिटेल वहाँ पर फिलअप कर लेंगे। स्टेप नंबर 8 जो रहेगा वो आपका पेमेंट का ऑप्शन रहेगा, अब आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट मैंने आपको बता ही दिया है कि कितना आपको पेमेंट करना है, वो डिपेंड करेगा आपका कितनी एज पुरानी आप गाड़ी को बाय कर रहे हो। बोथ पार्टीज हैव टू साइन द कॉपीज, यानी कि आपको दोनों पार्टियों को एक डॉक्यूमेंट पर साइन करके अपलोड करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 9 है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 10, अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट सबमिट द फिजिकली टू ईमेल और RTO, यानी कि इन 9 स्टेप्स को पूरा करने के बाद में आपको इन एक जीरोक्स कॉपी निकाल लेनी है, उसके बाद इन सभी डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली लेकर या आप RTO में जाकर सबमिट कर दीजिए, आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके अलावा आप चाहें तो ईमेल की सुविधा आपके RTO से अवेलेबल है, तो आप ईमेल भी कर सकते हैं RTO की वेबसाइट पर। उसके अलावा दोस्तों नंबर 4th मैं आपको पॉइंट्स क्लियर कर दूं कि ये सभी चीज़ों को जो भी आप वहाँ पर जैसे कि कार ओनरशिप आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसमें दोस्तों जो टाइम लगेगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप विद इन सेम स्टेट ट्रांसफरशिप डन करते हैं तो आपको 2 सप्ताह यानी कि 14 दिन का समय लेना पड़ेगा, 14 दिन बाद आपकी गाड़ी आपके नाम पर आ जाएगी अगर आप एक बायर हैं तो, अब अगर सेलर हैं तो 14 दिन बाद वो बायर के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर आप सेम स्टेट में ट्रांसफरशिप चेंज कर रहे हो तो, अगर आप आउट ऑफ स्टेट ट्रांसफरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपनी कार की ओनरशिप की, तो आपको 45 डेज़ का वेट करना पड़ेगा। और जैसे ही यह प्रक्रिया पूर्ण होती है, जैसे ही प्रक्रिया पूर्ण होती है आपके मोबाइल पर एक OTP के टाइप से मैसेज आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा OTP नहीं आएगा, मैसेज आ जाएगा, उस मैसेज में आपको पूर्ण जानकारी रहेगी कि आपकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र सक्सेसफुली हो गई है। तो इतनी प्रक्रिया आपको ध्यान में रखनी पड़ती है कार के ओनरशिप ट्रांसफॉर्मेशन की। नेक्स्ट वीडियो मैं 2-व्हीलर के बारे में बनाने वाला हूँ, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, 2-व्हीलर पर कैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं ओनरशिप। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, कोई ना समझ में हो तो यूट्यूब कमेंट सेक्शन खुला है, जाकर कमेंट करके पूछिए। पर्सनल बातचीत सुझाव के लिए इंस्टाग्राम ओपन है, स्वागत है आपका, वहाँ पर आइए, आपका स्वागत है। @TengiaLarukji इंस्टाग्राम हैंडल है, आकर वहाँ पर फॉलो करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जाकर फॉलो करके किसी पर भी, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी चीज़ें हैं, जाकर किसी पर आपका जहाँ एक्टिव आप हो वहीं पर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।